ट्रेंड्स, मैं नरेश यावलकर, प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट से आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा कि कल मार्केट बहुत ही ऊपर गया था, नियर अबाउट 140 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया था, और आज निफ्टी 107 पॉइंट नीचे गिर गया था। आज के तारीख है 21, मैं कल की बात कर रहा था, 20 तारीख को मार्केट 140 पॉइंट ऊपर गया था और आज यानी 21 तारीख को 107 मार्केट नीचे है। मार्केट ऐसे ही होता है, किसी के हाथ में नहीं, मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि अब तक जो हमारे ट्रेड्स हुए थे उस ट्रेड्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 18 तारीख को एक बैंक निफ्टी का स्विंग का ट्रेड लिया था, जो बाय बोला था, अगर 30,558 के ऊपर जाता है तो हम बाय बोले थे और 30,200 का हमारा स्टॉप लॉस था, तो बाय एग्जीक्यूट हो गया है, स्टॉप लॉस अभी भी नहीं हिट हुआ है। सो एक स्विंग के लिए हमें अभी भी अवेलेबल है। दूसरी बात, 18 तारीख को हमने बैंक निफ्टी का स्विंग दिया था सेल के लिए, 30,200 के नीचे जाता है तो हम सेल करने वाले हैं, ये भी सेल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज जो पहले वाला मतलब 20 तारीख को हमने जो बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था इंट्राडे के लिए, अगर इफ इट फॉल्स बिलो 30,720 तो हम क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो ये आज एग्जीक्यूट हो गया है और 30,720 के नीचे चला गया, वो सेल एग्जीक्यूट हो गया और हमारा प्रॉफिट जनरेट हो गया। उसके बाद में हमने कल एक दिया था निफ्टी का इंट्राडे के लिए के 11,900 के ऊपर जाता है तो हम सेल करने वाले थे, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और आज यानी 21 तारीख आज हम दो तीन ट्रेड्स दे रहे हैं। एक तो बैंक निफ्टी में ट्रेड है, तो बैंक निफ्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके बाद में निफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है, बैंक निफ्टी का ग्राफ है, डेली कैंडल्स देखें तो हम अप ट्रेंड में हैं। हमारी एक विशेष शैली है स्टडी करने की, जिसको हम कॉन्ट्रेरियन थ्योरी बोलते हैं। एज पर द कॉन्ट्रेरियन थ्योरी वी आर बुलिश इन टू द बैंक निफ्टी, लेकिन हम बाय करने वाले हैं, लेकिन कहाँ बाय करने वाले हैं, हमारे लेवल्स बहुत ही अलग होते हैं। कॉन्ट्रेरियन थ्योरी के लेवल्स हम बहुत ही सिस्टमेटिकली करते हैं। तो अगर 30,530 के नीचे आता है तो हम बाय करेंगे और 30,500 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा इंट्राडे का टारगेट रहेगा क्या लिखा, 30,704 ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद में हम जाएंगे निफ्टी में। निफ्टी का देखिए तो ये डेली कैंडल्स में हम अप ट्रेंड में ही हैं और आज का जो कैंडल है आज का वो इन कैंडल है, लेकिन ओवरऑल अप ट्रेंड में है। इतना गिरने के बाद भी हमारा ट्रेंड कायम है अप ट्रेंड में, लेकिन हमारा बाइंग का लेवल जो रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम 30 मिनट्स में बाय करेंगे। इफ इट फॉल्स डाउन 11,668 के नीचे आता है तो 11,633 ये स्टॉप लॉस लेके आप बाय कीजिए और आपका रेगुलर पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,772। तो ये निफ्टी के बारे में हो गया। और हम और एक शेयर देखते हैं, ये शेयर है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में ओवरऑल वैसे तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन कॉन्ट्रेरियन थ्योरी के हिसाब से हम अप ट्रेंड में, बिकॉज वी नो दैट मार्केट हैज गॉन अप फ्रॉम दिस वेरी हाई स्ट्रॉन्गली, तो हम बाइंग में रहेंगे, लेकिन हमारा बाइंग का लेवल है 1749.95, सो यू कैन से 1750 और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1728 और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1807 और हमारा सेकंड टारगेट भी रहेगा। ये हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम स्विंग भी ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम मेरे एक्सेल शीट में जाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे पॉजिटिव में होते हैं, केवल एक ट्रेड हमारा निफ्टी का 19 तारीख को लॉस में गया, बाकी के सब ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव में हैं। अब देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे के लिए इफ इट फॉल्स डाउन टू 30,570 और उसके ऊपर जब जाता है 30,570 के ऊपर तो हम बुलिश हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस है 30,500, हमारा स्टॉप लॉस 70 पॉइंट है और 30,704 हमारा टारगेट है, तो 134 पॉइंट हमारा प्रॉफिट रहेगा।
ये इंट्राडे ट्रेडर है, तो इसके लिए जब तक 134 पॉइंट नहीं मिलते तब तक आपको क्लोज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलता है आप क्लोज कीजिए, या कम से कम जैसे ही डायरेक्शन चेंज करता है ऐसे लगता है आपको, तो आप इमिजिएटली प्रॉफिट ले लीजिए। उसके बाद में निफ्टी में जैसे कि मैंने बताया, अगर ये 11630 के नीचे आता है और वहां से जब ऊपर जाता है, आई मीन 11630 तक, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 11630 तक आता है और वहां से जब ऊपर उठता है 11068 के ऊपर जाता है, तो हम बुलिश है, बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 11630 रहेगा, 38 पॉइंट का लॉस रहेगा और 11770 हमारा पहला टारगेट रहेगा, तो 102 पॉइंट रहेगा। वो 1:3 नियर अबाउट है और यहाँ लेकिन हमारा 1:2 ही है, लेकिन स्टिल इट इज़ अ गुड ट्रेड। एच यू एल में जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये 1228 के तक आता है तो, और वहाँ से अगर ऊपर जाता है 1728 पे, हम बुलिश रहेंगे, हम बाय करेंगे और हमारा लेवल रहेगा 1748, स्टॉप लॉस रहेगा 1728, 20 रुपये का लॉस रहेगा, 1807 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन ये जैसे इंट्राडे के लिए है उसी तरह से ये स्विंग के लिए भी ट्रेड है दोस्तों। एच यू एल बहुत ही अच्छा शेयर है, आप जरूर इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका ये जो है स्विंग का जो लेवल है, टारगेट है 1850, मतलब 102 पॉइंट का है। ये जो प्राइसेस दिए हुए हैं ये सब इक्विटी के प्राइसेस हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो लास्ट वीक है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होने वाले हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ इवेंट्स भी आने वाले हैं, वो इवेंट्स का ध्यान में रखिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे सक्सेसफुल होते हैं, तो इसका फ़ायदा बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं। यूट्यूब के चैनल में आप देखोगे तो बहुत कुछ लोगों के अच्छे कमेंट्स हैं। जो प्राइम एकेडमी है उसके बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे वेबसाइट primetechinterest.com में जाइए, वहाँ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, मेरे बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, टेस्टिमोनियल स्टूडेंट्स को मिलेंगे और टेस्टिमोनियल्स आप जरूर पढ़िए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, आप इस कमेंट्स डालिए और इसमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कंटिन्यूसली मेरा वीडियो आपकी तरफ मिले रहे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी ट्रेड्स अच्छे रहें, ग्रीन रहें, और जब भी अगर गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप जल्दी से जल्दी आप छोटे से लॉस में बाहर निकलें। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त नरेश हावलकर, प्राइम एकेडमी इसके फाउंडर, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।